अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राना अमीर मोहम्मद इस वक्त जामी डेयरी फार्म से आपसे मुखातिब हूँ। माशाल्लाह जी, ये एक दो शौक का हामिल फार्म है जहाँ पे भैंसे भी हैं, जहाँ पे गाय भी हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बड़ी कद वाली गाय हैं जी। शावर सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक शावर सिस्टम है, टाइमिंग के हिसाब से टाइमिंग लगी हुई है। उसके अलावा ये आप शेड के डिज़ाइन देख सकते हैं जी। अभी हम आसिफ साहब से गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं, मगर आप थोड़ी सी ये शेड के हवाले से चीज़ें देख लें, ताकि आपको अगर आपने शेड बनाना हो तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं और आसानी से आप उनको अपने शेड पे इम्प्लीमेंट कर सकें। ये मैं आपको शुरू से व्यू दिखाता हूँ इसको। ये इस साइड पे दो छतें, सेंटर में एक छत है, ये उनका फीडिंग टेबल है सेंटर में, और ये एक साइड पे सिंगल छत है। जगह की कमी की वजह से सिंगल छत बनाई गई है। तो अभी हम गुफ्तगू करते हैं आसिफ जामी साहब से और उनसे पूछते हैं इस बारे में। ये उन्होंने शौक से यहाँ पे डॉग्स भी रखे हुए हैं। गल ये थोड़ा फीड का बेसिकली मसला थोड़ी फीड का। अच्छा। हाँ जी, फीड है जरा बड़ी करदार है थोड़े। साढ़े हूँ असं सिर्फ हरा चारा दे रहे हैं। अच्छा, आसिफ साहब हम कुछ सवाल करेंगे तो उसके जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। आप हमें ये बताइए कि हमारे भाई सैफुल्ला साहब मौजूद हैं जी, A1 फार्म एंड A1 मार्केटिंग टोबा टेक सिंह, इधर राय जवेद इकबाल साहब नामी ग्रामी फार्मर और नीली के मास्टर। आप हमें बताइएगा कि ये जो हमने शेड बनाया हुआ है, ये इसके अंदर टोटल चार छतें हैं, दो एक साइड पे, दो एक साइड, एक सेंटर में, एक साइड पे। एक तो इनकी पैमाइश बताएं कि पहली छत की पैमाइश कितनी है, लंबाई चौड़ाई फिर ऊंचाई कितनी है। जी साढ़े सर यह 70 फुट लंबाई है शेड की। ठीक है। पहली छत है जी जिथे जानवर फीडिंग खड़ के खाते हैं, वह 20 फुट। अच्छा जी, तो अगली जड़ी यानी कि ये वाली जो छत है। नहीं सर, ये नहीं है जिथे फीडिंग करके खा रहे हैं। अच्छा, ये 20 फुट है। हां जी, उसके बाद 15, वो 15 फुट है। खुरली के ऊपर है ये सर, ये 14 फुट है। नहीं जी, किवें हो गया सर? है 14 फुट तो फिर है 20 किस तरह? अच्छा जी, ठीक हो गया। ये 14 फुट चौड़ाई है जी इसकी, इसकी चौड़ाई है 20 फुट और दूसरे की 15 फुट चौड़ाई है। ये चौड़ाई के हिसाब से गुफ्तगू हो रही है जी, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 12 फुट। ठीक है, ये 12 फुट छत है जी। 10 पे आ गई ये, 10 पे, उसके बाद 8 पे, वो 8 पे। हाँ जी, 8, 10 और 12, और मेरे ख्याल से ये 14 होनी चाहिए कम से कम। हाँ जी, मैं यही गल कर रहा हूँ, जी ऊंचाई है उसका स्टैंडर्ड बदल गया, क्योंकि साडा शेड बनिया 2010 का। ठीक है, जिदा जिदा जिदत आ रही है उस हिसाब से चेंजिंग आ रही है, लेकिन सानू एक बेनीफिट आ, साडे सिरकी पई आ उपरों, फिर तूड़ी मिट्टी करके ते असी उपरों प्लस्टर करती, उस वजह तो साडे हीट नहीं आउंदी। ठीक है। हाँ जी, निस्बत की वैसे कितनी होनी चाहिए? मशरक मगरब ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई जी हूँ स्टैंडर्ड है सर, वो 20 फुट है जी, छत 20 होनी चाहिए, एंड थोड़ा 12 फुट होना चाहिए। ठीक है, ये देखें जी, ये ऊपर वाली छत जो है वो 20 फुट होनी चाहिए जो आजकल के स्टैंडर्ड हैं उनके मुताबिक, और ये 16 और वो 12, इस तरीके से यानी कि 4-4 फुट का गैप, और ये वेंटिलेशन के लिए ये इस तरह से बनाया जाता है। उसके अलावा 70 फुट इसकी लंबाई है, पहली छत जो है ये 14 फुट चौड़ाई है, दूसरी की 20 फुट, और आगे वाले की जी ऐसे एंड वाले की चौड़ाई की 15 फुट चौड़ाई है जी। ये छोटी छोटी बातें ये आप ध्यान में रखें, और फीडिंग टेबल के अंदर जो हम पाइप लगाते हैं ना, वो हम अक्सर गलती कर जाते हैं, हम इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, तो फिर जब जानवर चारा खाता है तो ये जो पाइप है ये उसके कुहान पे, अगर बड़ा जानवर कुहान पे लगता है, गाय हो तो उसके कुहान वाली जगह पे निशान डालता है, तो कम अज़ कम ये तकरीबन 6 से 8 इंच जो है ना आगे बढ़ के होना चाहिए, शायद फुट के करीब है तकरीबन, जो आपकी ये नीचे दीवार बनी हुई है उससे 1 फुट या 8 इंच 10 इंच आगे होना चाहिए, ताकि आपका जानवर जो है खाते हुए परेशानी का शिकार ना हो। और
ये पिलर से पिलर गैप कितना है जी? 10 फुट। पिलर से पिलर जो गैप है वो 10 फुट है, ये आप चीजें नोट कर लें, आपको इसमें फायदा देंगी। पिलर टू पिलर गैप जो है वो 10 फुट रखा गया है। और अच्छा ए दसना जी, आसफ भाई जी, ये यहाँ से लेके ऊपर तक इस पाइप तक कितना गैप रखा है? सर हाँ। तकरीबन 3 फुट। नहीं नहीं, यहाँ से चौबीस ऊपर 2 फुट ऊपर जो है ये पाइप लगा हुआ है, यानी कि तकरीबन ये बनता है 3.5 फुट फर्श से 3.5 फुट। और ये जो चीजें हैं ये मूवेबल हैं, ये यहाँ पे टांगा नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ आरजी तौर पे उसको उस तरीके से करके और ये यहाँ से कसाई की गई है, मूवेबल है, यानी कि अगर आप ऊपर नीचे नीचे करना चाहें तो आप इसे इजी से कर सकते हैं। वेल्ड को नहीं है? नहीं सर, फ्लेक्सिबल है ना, ये फ्लेक्सिबल है जी, वेल्ड नहीं है और बहुत आउट क्लास चीज है जी। ये आपको दिखा देते हैं, ये देखें, गाट तो फाड़ के ले आई, ये देखें, ये सारा आप बनवाए और यू शेप का ये बना हुआ है, दोनों साइड पे जो है वो नट लगे हुए हैं। ले आए नो गाट तो फाड़ के, ए पहला नहीं जी, ए पहला नहीं, केड़ी सर परली, हां जी परली पहला, ठीक है, आज पे पाइप तो मिट्टी दी हुई जी, थोड़ी मिट्टी ले पके उसको प्लास्टर कर, ये देखें जी। अच्छा अब इनको, इन्होंने इनको जो पार्टीशन की है तो पार्टीशन के अंदर इन्होंने जो है वो वेल्ड किए हुए हैं, ये इस हिसाब से इसकी पार्टीशन भी की हुई है। यहाँ पे भैंसे हैं, छोटा सा पोर्शन एक भैंसों को दिया हुआ है और इनके लिए पानी वाला एरिया जो है वो हर वक्त साफ पानी की फरहमी, वो ये देखिए ये पानी वाली खुरली बनी हुई है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो रही हैं। लें जी आज के लिए, मेरा ख्याल है ये आपके फ़ायदे के लिए, इंशाल्लाह अगर आपने शेड बनाना होगा तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, बहुत कुछ आप इन्फॉर्म कर सकेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो।